मैं भोजपुरी एक्टर सोमलाल यादव यूपी का रहने वाला हूं बनारस का और मेरा ज़्यादा करके लगाव भोज भोजपुरी से ही रहा है बचपन से मैं बिहार से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं मेरे घर वाले सारे लोग एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं भोजपुरी फिल्मों में बहुत मेरा इंटरेस्ट था कि मैं काम करूं दसवीं के अच्छे के बाद मैं आशा चंद्रा फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया उसके बाद मैं थिएटर वगैरह दो तीन साल किया करने के बाद में दादाजी का पिताजी का कारोबार था दूध दही का कारोबार था बॉम्बे में तबेला था खटाल था फिर वहाँ आ गया हम लोगों ने दूध दही बेचा घर घर जाके मैं दूध बांटता था, था लोगों को फिर भी मेरे अंदर वो उमंग थी कि मुझे एक दिन हीरो बनना है और भोजपुरी का ही बनना है किसी तरह मैं अपनी मंजिल हासिल करने के बाद में घर वालों ने एतराज़ किया बाद में फिर घर वालों ने वही घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया मेरे भैया मेरे भाभी मेरी मम्मी मेरे भाई के लड़के सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया ऐसा किसी के घर वालों ने नहीं सपोर्ट किया होगा जितना मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया मेरी पिक्चर रिलीज हो जा होने जा रही है मेरी डेबू फिल्म है मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ फिर कभी कभी डर जाता हूँ हमारे जब पिक्चर रिलीज होगी तो मैं कैसे घूमूंगा रोड पे कैसे चलूंगा फिर लोग मुझे देखेंगे अरे अरे देखो दिल तो हरे प्यार में पागल का सोमलाल यादव जा रहा है तो आ, आज तो मैं मज़े लेके ऑटो रिक्शे में बस में ट्रेन में हर जगह मैं घूमता हूँ लेकिन जब मेरी पिक्चर रिलीज हो जाएगी लोग मुझे जानेंगे तो मुझे यही सोच के मुझे कभी कभी डर लगता है कि अभी तो आम जिंदगी थी जी लेते थे बाद में अगर हिट हो गई मेरी पिक्चर बहुत अच्छी मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान से ऊपर वाले से कि मेरी पिक्चर हिट हो हिट है और म्यूज़िकल हिट है एक्शन हिट है फुल कॉमेडी फिल्म है किरदार की बात की जाए तो फिल्म में बहुत अच्छा मैं धमाल काम किया हूँ फुल कॉमेडी मैं और मनोज टाइगर जी की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी जमी है हम लोग फुल मज़े करके पिक्चर में काम किए हैं और फुल कॉमेडी किए हैं बहुत एक्शन भी मैंने बहुत धमाल किया डांस भी मैंने फुल अच्छा किया है आप लोग प्लीज़ एक बार देखिए उसके बाद में आप लोगों को लगेगा या तो फिर आप लोग यूट्यूब पर जाइए दिल तो हरे प्यार में पागल हो गई क्लिक कीजिए वहाँ पर आपके सारे गाने और ट्रेलर भी आप आप लोगों को देखने को मिलेगा फिल्म के डायरेक्टर इकबाल बख्श हैं और प्रोड्यूसर हैं हमारे एक साहब हैं कृष्णकांत मलिक के नाइन इंटरटेनमेंट उन्हीं का बैनर है और हमारे जी नाइन इंटरटेनमेंट है मेरे भैया के लड़के हैं कमलेश कुमार यादव और राजनारायण यादव मेरे भैया के साले हैं उन लोगों ने ये प्रोड्यूस किया था पिक्चर किसी तरह हम लोगों ने और सही पिक्चर में सहयोग दिया था बहुत ज़्यादा हमको सहयोग मिला है बीच में हम लोग किसी कारण बस रुक गए थे फिर हमें रणधीर भैया ने साथ दिया है जो हमारे पिक्चर में बड़े भाई बने हैं एक्सटर्नल भी मुझे बहुत भैया का सपोर्ट किया है इंटरनल भी मूवी में भी मेरे भाई का रोल किया उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया हुआ है मैं ऑडियंस से प्रार्थना करूँ प्लीज मेरे दर्शक मेरे प्यारे दर्शक प्लीज मुझे भी एक बार चांस दीजिए आके पिक्चर देखिए बहुत अच्छी मूवी बनी है बहुत अच्छी पिक्चर बनी फुल कॉमेडी फुल एक्शन और फुल धमाल पिक्चर है आप हंसे हंसे आपका पेट दर्द करेगा कोई वलिग्रिटी नहीं है आप पूरी फै, फैमिली के साथ में आइए और मूवी देखिए भोजपुरी